वैसे भी शास्त्र कहते हैं कि तीन प्रकार का ज्ञान जब तक जीव अर्जित ना करे तब तक वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर भगवान को प्राप्त करना है, उनको जानना है, उनको समझना है, तो तीन प्रकार का ज्ञान हमें अर्जित करना अति आवश्यक है। कौन कौन सा? एक महात्मक ज्ञान, दूसरा संबंध ज्ञान और तीसरा सेवा ज्ञान। ये तीन प्रकार का ज्ञान जिस दिन जीव पूर्ण रूप से अर्जित कर लेगा, बस उसी दिन उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यानी सबसे पहला है महात्मक ज्ञान, यानी हम जिन श्री कृष्ण की कथा श्रवण करने जा रहे हैं, जिनको हम जानना चाहते हैं वो श्री कृष्ण कौन है, उनमें क्या क्या गुण है, वो हमारे लिए क्या क्या कर सकते हैं, यानी उनकी महिमा क्या है, उनका महात्म क्या है। क्योंकि जब तक आप जानोगे नहीं कि वो भगवान हमारे लिए क्या कर सकते हैं, वो कौन है, तब तक उनसे प्यार कैसे होगा। इसलिए सबसे पहला ज्ञान है महात्म ज्ञान। दूसरा है संबंध ज्ञान, यानी हम जिन श्री कृष्ण की कथा श्रवण करने जा रहे हैं, उन भगवान श्री कृष्ण से हमारा क्या रिश्ता है, हमारा क्या संबंध है, वो हमारे लिए क्या, वो हमारे क्या लगते हैं, ये संबंध ज्ञान। और तीसरा है सेवा ज्ञान। सेवा ज्ञान माने कि हम जिन कृष्ण की कथा श्रवण करने जा रहे हैं, जिनसे प्रेम करने जा रहे हैं, जिनसे संबंध जोड़ने जा रहे हैं, तो उनकी सेवा करनी है। तो ये सेवा कैसे करनी चाहिए, सेवा करने से क्या होगा, तो कितने प्रकार की सेवा होती है, तो ये सेवा ज्ञान। क्योंकि आप लोग बहुत बार श्रवण कर चुके हैं प्रवचन में भी, कथाओं में भी, कि मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया भी है, आप लोग जानते भी होंगे कि हम समस्त जीवों का जो लक्ष्य है वो क्या है, प्रयोजन मनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। दर्शन शास्त्र कहते हैं कि हर जीव का हर कर्म किसी न किसी उद्देश्य से, किसी न किसी प्रयोजन से जरूर होता है। बिना उद्देश्य के, बिना किसी प्रयोजन के इस संसार में कोई भी जीव कुछ भी कर्म कभी नहीं कर सकता। हम हंस रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम रो रहे हैं, हर कर्म के पीछे हमारा कोई एक प्रयोजन शास्त्र कहते हैं कि जरूर है। बिना कारण के हम कोई कार्य नहीं कर सकते, तो क्या प्रयोजन है? हम क्यों भाग रहे हैं, क्यों सो रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, हर कार्य के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? तो शास्त्र कहते हैं कि हर जीव का, अनंत जीव है इस संसार में, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, जहां तक माया का साम्राज्य है वहां तक का हर जीव का एक ही उद्देश्य है हर कर्म के पीछे, और वो है सुख पाना। बहुत ध्यान देकर के श्रवण कीजिए, हम लोग फिर कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। हर जीव का एक ही उद्देश्य है कि हमको सुख मिले। हमारे हर कर्म के पीछे बस एक ही उद्देश्य है कि हमको सुख मिले। हम और कुछ चाहते ही नहीं है संसार, केवल एक उद्देश्य से कि हमको सुख मिले। भले ही देखने में कितनी भी विरोधी क्रियाएं हों, भले देखने में लग रहा है कि सब उल्टी क्रियाएं कर रहे हैं, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई खा रहा है, कोई सो रहा है, भले देखने में कितना भी विरोधी क्रियाएं हो, लेकिन हर क्रिया में एक ही उद्देश्य है कि हमको सुख चाहिए, हमें आनंद चाहिए। इस संसार में कोई भी जीव दुख नहीं चाहता। जितने आप लोग यहाँ बैठे हैं, कोई ऐसा है जो ये कहे कि हमें दुख चाहिए? हम तो संसार में दुख चाहते हैं नहीं। हर जीव एकमात्र सुख चाहता है और सुख पाने के लिए हर प्रयत्न करता है।